गौरातिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्ते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवई प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग कथकल्या श्रवण कर रहे थे। महाप्रभु को जब कोई मिठाई देते थे महाप्रभु खुद नहीं कहा करके अपना भक्तों को देते थे। कौन सा भक्तों को? हाँ, जो कीर्तन करते थे बैठ करके कीर्तन करते थे जो माताएं महाप्रभु वो मिठाई लेकर के उन्हें देते थे। क्या शिक्षा देते हैं? कहते जो मेरे कीर्तन करेगा ना उसको रोज़ मिठाई मिलेगा। तो हमारा मंदिर में भी मिठाई मिलता है, रोज़ मिठाई मिलता है, इसलिए भगवान की भजन करने से खूब मिठाई खाने को मिलेगा। इसलिए महाप्रभु जब थोड़ी सी बड़े हुए महाप्रभु का बड़े भैया थे विश्वरूप। ये विश्वरूप अद्वैत आचार्य जी का टोल था जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे वो टोल में पढ़ाई करते थे। अभी महाप्रभु छोटे हैं, अभी नंगे धड़ंगे जैसे खेलते कूदते हैं जैसे बच्चे लोगों बचपन में। पहले इतना जल्दी कोई कपड़ा फपड़ा नहीं पहनते थे, अभी जैसे बच्चे होते ही जन्म होते ही कपड़ा पहना देते। पहले ऐसे था, हम लोग तो बहुत बड़े बड़े तक भी नंगे नंगे घूमते थे गाँव में, पानी में कूदते थे, इतने लोग का शर्म फर्म नहीं होता था। अभी भी ब्रज की गांव में जाओ, अब गांव साइड में जाओ ना और बच्चे बड़े बड़े होकर नंगे घूमते हैं। हम अब राधा कुंड में हम कुछ दिन पहले गए थे वो इतने बड़े बड़े लड़के नंगे होकर पानी में छलांग लगा रहे हैं। इसलिए महाप्रभु नंगे धड़ेंगे धूल में लोटपोट खाते खेलते कूदते हैं। अभी घर में जब प्रसाद बन जाता था ठाकुर जी के लिए बोलते पास में था वो टोल था, तब सची मैया महाप्रभु को बोलते थे बोले निमाई जा बड़े भैया को बुला कर लिया खाना बन गया भोजन करके पढ़ने के लिए जाए। तब महाप्रभु जब जाते थे वो अंदर में जाते ही और वहाँ पर कौन कौन पढ़ रहे थे जितने महाप्रभु का भक्त ही थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य सदाशिव जैसे शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी शंकर जी हैं, जितने देखो पुराण जितने भागवत रामायण के जो रचयिता शंकर जी हैं, ये शंकर जी है। इसलिए हर समय गीता भागवत को शास्त्र को भक्ति पर व्याख्या करते थे।
और महाप्रभु का सब भक्त लोग आए हैं महाप्रभु आने से पहले, और उनका टोली में सब बैठते थे और सब भक्ति पूर्वक व्याख्या करते थे, और भक्त लोग सुनकर के बड़े प्रसन्न बड़े खुश होते थे और महाप्रभु जब वहाँ पर पहुँचते थे, पहुँचते ही जो अद्वैत आचार्य जी जो पढ़ाई करते थे ना पढ़ाते थे, उनका पढ़ाई बंद हो जाता था, पढ़ना बंद हो जाता था, और जितने वहाँ बच्चे सब महाप्रभु का भक्त लोग पढ़ते थे, हे महाप्रभु जाते ही सबके सब पढ़ाई ख़त्म बंद, और सबके सब महाप्रभु को ना टकटक लगा कर देखने लग जाते थे। इतने में महाप्रभु उनका जो बड़े भैया विश्वरूप का कपड़ा पकड़ते थे, बोले भैया भैया मैया बोली रसोई बन गई है, चलो भोजन करने के लिए चलो, उनको इधर खींचते थे और ऐसे टेढ़े नज़र से अद्वैत को देखते थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य जो प्रवेश करते उनका पूरा पढ़ाई ख़त्म। अद्वैत आचार्य जो सोचते थे भैया ये बच्चे में है क्या चीज़, वो आते ही हमारा मन प्राण अपने आप उसके प्रति आकर्षित तो क्यों हो रहा है, हैं, क्योंकि वो तो सदाशिव है ना, महाविष्णु है, वो थोड़ी साधारण है, साधारण प्रति आकृष्ट होएगी। और महाप्रभु कपड़ा खींच कर बोले अभी पहचान नहीं रहे हो, हैं, अरे मैं तो खीर समुद्र में सो रहा था, तुमने तो मेरे को बुलाया, अरे मेरे को बुला कर पहचान नहीं रहे हो, रुक जा कुछ दिन बाद में मेरे को समझोगे, हैं, किस दिन बाद में मेरे को पहचानोगे, इसलिए उनको ऐसे टेढ़ी नज़र से बोलते थे। और यहाँ पर कह रहे हैं हाँ, क्रंदन तब दरिद्र कहते अपन न प्रस्ताव सुनी श्री गौर सुंदर सवार करे न शुभ दृष्टि मनोहर। यहाँ पर कह रहे हैं जब महाप्रभु वहाँ प्रवेश करते थे, वहाँ पर अद्वैत आचार्य जब बोलते थे क्या प्रभु की कथा, प्रभु की कीर्तन, प्रभु की महिमा गाते थे, हैं, इसलिए महाप्रभु प्रवेश जब करते थे अपन प्रस्ताव सुनी श्री गौर सुंदर, जब महाप्रभु सुनते थे यहाँ पर क्या हो रही है, भगवान की चर्चा हरि की कथा हो रही है, और भगवान इसको देखकर बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते। इसलिए प्रभुपाद का ये मठ मतलब क्या है, मठ कहते किस किस को, बोले पठंती बसंती जत्र छात्रा, जहाँ पर पारमार्थ के छात्र विद्यमान होकर के पठंती और बसंती, जहाँ पर हर समय हरि कथा रूपी अग्नि, प्रभुपाद कहते हैं गौड़ीय मठ में हरी कथा रूपी अग्नि कभी प्रज्वलित तो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, हर समय हरी कथा रूपी अग्नि चलती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, हैं। अब देखना जब प्रभु की चर्चा हरी कथा हो उसी समय हमारा मन प्राण चित्त केवल प्रभु में ही रमा रहता है, और ये मन हमारी कहीं जाती नहीं, इसलिए हर समय हरी कथा मंदिर में होनी चाहिए, और हरी कथा में ही व्यथा दूर होता है जगत में, और जितने कथा सब व्यथा है, दुनिया की बात बैठ कर करो कैसे हो, ऊपर से बोले ठीक है, आप पास में बैठ जाओ अंदर की बात सुनो, बहू से बनती नहीं, बेटा बात नहीं सुनता है, घर में काम धंधा चल नहीं रहे, बहू बेटे में लड़ाई हो रही है, हैं, हमारी काम धंधा भी बंद हो गई। देखना दुनिया की बात बैठ कर करो तो पता नहीं, सारा दुनिया की बात करो तो सर दर्द हो जाएगा, हैं, लेकिन प्रभु की चर्चा सुन लो 10-15 मिनट बैठ करके मन शांति मिल जाती है, मन को शांति मिल जाती है, क्यों, वो प्रभु का कथा है। इसलिए शंकर जी कहते हैं, हैं, शंकर जी कहते हैं पार्वती को, बोले पार्वती बोले मंजन फला देखाओ तत्काला काक होई पी कबक ओ मराला। बोले भगवान कथा रूपी गंगा में स्नान करते ही जो कौआ है ना कहते कोयल बन जाती, बगुला हंस बन जाती है, हंस बन जाती है, कथा में जाते हैं एक भाव लेकर के, लेकिन जब वापस आते हैं ना अलग भाव लेकर के आते हैं, क्योंकि हृदय में भगवान की कथा को हृदय में बैठा करके आते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु जब वहाँ प्रवेश करते थे और वहाँ पर हैं, वहाँ पर जब सुनते थे यहाँ पर भगवान की चर्चा भगवान की कथा हो रही, प्रभु बड़ी प्रसन्न होते, बड़े खुश होते थे, खुश होते, क्यों, चर्चा ठाकुर की चर्चा, उनकी महिमा है। अगर हमने बोल दिया सिंघल प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के बड़े नेचर के बड़े मीठे हैं, सबको मदद करते हैं,
बड़े अच्छे गुण, खुश हो जाते ना व्यक्ति, प्रसन्न हो जाते ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो रही, किसकी महिमा हो रही, ठाकुर जी की महिमा गाई जा रही, भगवान की कथा हो रही है। इसलिए भगवान कहते मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ जहाँ पर मेरी कथा हो, मेरी चर्चा हो, मेरी महिमा जहाँ पर हो। इसलिए महाप्रभु और श्रीमद् भागवत में पहले बताया ना, कहते अवधूत ने 24 गुरु बनाया, 24 गुरु में उन्होंने एक गुरु एक कन्या को बनाया, एक कन्या को बनाया। बोले कन्या को बनाया मतलब अभी बेटी की शादी होगी, अभी लड़का घर से देखने के लिए आए, लड़की कैसे है, हैं उनका घर कैसे देखने के लिए आते हैं ना, तुम लोग गए हो सबके सब, बेटा बेटी की शादी में जाते हैं उनका घर कैसे देखने के लिए जाते हैं। अभी जब देखने के लिए आए, अभी वो परिवार में सबके सब किसी काम से बाहर गए हुए थे, घर में अकेली लड़की थी। अभी घर में लड़की थी तो अभी जैसे आए हैं, उसकी ससुर घर से आए, अभी नई नई शादी हुई नहीं, उसको तो भोजन खिलानी चाहिए, घर में चावल नहीं है, फिर क्या करेंगे। पहले क्या करते थे, अपने घर में ही उखल में कुट कुट करके उसको निकालते थे, चावल निकालते थे, उनको खिलाना पड़ेगा। वो बेटी ने किया कि उखल में बास धान को रख करके कूटने लग गए, हाथ में चूड़िया कुछ पहनी हुई थी, जब कूट रही थी चूड़िया की झनझन आवाज आ रही थी। उसने सोचने लग गई हमारे हैं हमारे ससुर घर से आए हैं, हमारे आए ससुर घर से लोग देखने के लिए आए, अगर हमें आवाज़ होगी तो क्या सोचें, घर में खाने के लिए भी नहीं है, हम जब आए कूट करके चावल निकाल कर खिलाएंगे, मतलब इतना गरीबी है, हैं शर्म की बात है ना। और चूड़ी की आवाज़ हुई, उसने क्या किया, एक चूड़ी निकाल दी, जब निकाल दी तभी जब कूटने लग गए तब भी आवाज़ हुई, फिर एक एक और निकाल दी, फिर तब भी आवाज़ हुई, फिर एक एक, जब हाथ में एक ही चूड़िया रह गई, फिर जब कूटने लगे फिर आवाज़ हुई नहीं। यहाँ पर सिखा देते हैं, क्या सिखा देते हैं, बोले देखो भजन करना तो अकेले भजन करो, दो करोगे तो लड़ाई होगी, तीन करोगे तो आपस में बात होगी, क्या करो अकेले भजन करो, हैं भजन करो। अभी फिर प्रभुपाद कहते, फिर प्रश्न करते हैं, फिर देखो हम मंदिर में हम हमारे जो ब्रह्मचारी 8, 10, 20, 50, 60, 100 भी रहते हैं एक जगह पर रह करके भजन करते हैं, फिर ये लोग रह कर क्यों भजन करते हैं, अकेले अकेले क्यों नहीं करते हैं, इतना रह कर क्यों करते हैं। बोले कारण क्या, क्या कारण है, बोले कारण ये बताते हैं, कहते हमारे देश में जो लड़कियाँ शादी से पहले ना वो ज़्यादा चूड़िया नहीं पहनते, एक दो चूड़िया पहनती हैं, लेकिन वो शादी होकर के जो जाती है, हमारे भारत का हमारे उड़ीसा का वहाँ पर ट्रेडिशन है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चूड़िया पहनती हैं, पूरा हरी काला रंग सब बढ़िया चूड़िया पहन करके वो जाती है, अपना ससुर घर में जाती हैं। बोले क्यों इतना पहन करके जाती हैं, बोले कारण है जो वो अपना ससुर घर जाती हैं चूड़िया पहन कर घर का काम काज करती है, करने पर उसको हाथ का जो चूड़िया है ना, जैसे दधी मंथन करे कपड़ा काचे हाथ चूड़ी को झनझन झनझन आवाज़ होती है। और हमारे देश में नियम, जब शादी करके जाती है बेटी, पैर में नूपुर जरूर पहनती है, नूपुर पहनती है। बोले क्यों, वो जब चलती है पैर का नूपुर का जो आवाज़ देखना, वो छम 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 आवाज़ होती है। कहते किस लिए करती है इसे, बोले कारण है, कहते चढ़ने की नूपुर की आवाज़ को सुन करके, हाथ की चूड़ियाँ की झुनझुन शब्द को सुन करके जो पति वो बड़ा प्रसन्न होता है, उसको पता चलता है मेरी जो पत्नी है घर का काम कर रही है, रसोई बना रही है, दधी मंथन कर रही है, कपड़ा काच रही, वो आवाज़ पति को कान में सुनाई पड़ता है, इसलिए बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते उसी तरह यहाँ शिक्षा देते हैं, उसी तरह जब मंदिर में एक साथ में जो बहुत ब्रह्मचारी रहते हैं सन्यासी लोग रहते हैं, लेकिन वो कैसे रहती हैं, कारण क्या, कारण इतना क्यों फिर रह रहे, क्या भागवत का विरोध कर रहे, बोले नहीं। बोले क्यों, जब भक्त लोग मिल कर हरि कीर्तन करते हैं, हाँ अकेला कीर्तन में थोड़ी आनंद आता है, हम कभी कभी यहाँ सब मिलकर मृदंग करताल मजीरा लेकर के हरि बोल कर कीर्तन करते हैं, और बैठ करके भगवान का कीर्तन भगवान की कथा करते हैं ना। हमारे पति कौन हैं, ठाकुर जी जगन्नाथ जी, वो जगन्नाथ जी जब इस बात को सुनते हैं कीर्तन देखते हैं, खुश हो जाते जगन्नाथ जी, खुश हो प्रसन्न हो जाते। इसलिए यहाँ पर वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं कि अपना प्रस्ताव सुनी श्री गौर सुंदर सवार कर्ण शुभ दृष्टि मनोहर, मतलब जब सुनते अपना कथा सुनते हैं महापुरुष सबके ऊपर में कृपा दृष्टि करते, खुश हो जाते,
इसका मतलब जो भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं ना, ठाकुर को सामने बैठते हैं, ठाकुर देख करके प्रसन्न होते, खुश होते। फिर बोले प्रभु देखी भक्त मोह स्वभाविक है, बिना अनुभव रे दासरे चित्त लय। जब महाप्रभु प्रवेश करते थे, प्रवेश करते क्या होता था, उनको पढ़ाई बड़े सब बंद हो जाती थी और सबके सब महाप्रभु का टकटक लगाकर देखते थे, बच्चा कौन है, जिसको देखते ही हमारा मन अपने आप मोहित तो हो जाता। कारण क्या, तो यहाँ उदाहरण देते हैं, प्रभु देखी भक्त मोह स्वभाविक है। कि जब भक्तों को दर्शन करते हैं, जब भगवान को भक्त लोग दर्शन करते हैं, ये स्वभाव है भक्तों का, अपना प्रभु को देख करके भक्त लोग मुग्ध हो जाते हैं, ये स्वभाव भक्तों का है। बिना अनुभव दासर चित्त लय, जो भक्त हैं जब भगवान को दर्शन करते हैं, स्वाभाविक रूप में भक्तों का जो चित्त है भगवान के प्रति आकृष्ट, अपने आप भगवान की तरफ में खींचते हुए आ जाता है। इसलिए अनुभव दासर चित्त लय, स्वाभाविक रूप में दासों का चित्त उनकी अपने आप प्रभु का प्रति आकर्षित तो होता है। अभी जब महाप्रभु का बड़े भाई थे विश्वरूप, वो विश्वरूप जब घर में भोजन करने के लिए आते थे ना, उनको ये संसार का कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी, उनको अच्छी तक केवल प्रभु की कथा अच्छी लगती थी, दुनिया की कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। जब घर में भोजन करने के लिए आते थे, हर घर में मंदिर होता था, हाँ ठाकुर जी का मंदिर, वो आते ही है ना पूरा सीधा, अगर मैया की थोड़ी सी अगर खाना बनने में देर हो ना, कहीं किसको साथ में बात नहीं करते थे, जो छोटी से ठाकुर का मंदिर के अंदर बैठ जाते थे, बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बैठ करके हरि नाम करते थे, माला जप करते थे, प्रभु का चिंतन करते थे, और प्रसाद होते ही फटाफट प्रसाद पा करके ना सीधा चले जाते थे, कहाँ टोली में, टोल में चले जाते थे, क्यों, वहाँ पर हर समय हरी चर्चा हरी कथा, स्वयं अद्वैत आचार्य प्रभु की कथा करते हैं। अभी क्या हुआ, हर पिता माता सोचते हैं ना, जब माता थोड़ी सी बूढ़ी हो जाती हैं, हर पिता माता क्या सोचती है, माँ मेरा बेटा की जल्दी शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए। बोले क्यों, बोले जब तक बहू नहीं आएगी तब तक माता को काम करना पड़ता, जब घर में बहू आ जाती है फिर घर का काम काज को बहू संभाल लेती है, संभाल लेती है, मेरे सास को थोड़ी चैन मिलती है। इसलिए सच्ची मैया सोच रही है मैं तो बूढ़ी हो गई, क्यों, महाप्रभु और श्री विश्वरूप आने से पहले 8 उनकी लड़कियां शरीर छोड़ी, 8 लड़की मृत्यु हुई है, हैं उसको बाद में विश्वरूप हुए, मतलब 8 बेटी, मतलब कितना साल में एक एक बेटा होता है, हैं। अभी मैया बूढ़ी हो गई, सोच रही है विश्वरूप थोड़ी सी बड़े हो जाए, और पहले क्या होता था, बच्चों को डेर नहीं करते थे शादी करने, 16-17-18 साल में बच्चों को शादी करवा देते थे जल्दी जल्दी, लड़कियों को भी 14-15 साल में, भैया शादी हो जाए, अपना घर तुझा, अपना घर तुझा, अपना घर का काम काज संभालो। इसलिए लड़की भी बिगड़ती नहीं, लड़के भी नहीं बिगड़ते थे, दोनों ही सही रहते थे, पहले का जो नीति नियम था ना वो सही नीति नियम था, हैं। इसलिए चली जाती थी। अभी विश्वरूप जब थोड़ी सी बड़े हुए, मैया चर्चा कर रही हैं बेटे के लिए, कहीं बहू देख लेनी चाहिए, बहू आ जाए बस घर का काम काज वो संभाल लेगी और मेरे को थोड़ी सी विश्राम मिलेगा, हैं। अभी इधर उधर बात कर रहे हैं कहाँ पर अच्छी लड़की मिले जो लड़की को हैं घर में ले आए। लेकिन जो विश्वरूप ने ये सब जो बात सुनते थे ना, उनको एकदम बेकार लगता था, बोले बेकार लगता था, क्यों, वो शादी करना नहीं चाहते थे, बोले क्यों शादी नहीं करता था, करने क्यों नहीं चाहते थे, बोले कारण ही, बोले सर्वशास्त्र मर्म जानी विश्व रूप धीर, अनित संसार हित हैल बाहिर। अद्वैत आचार्य जो सदाशिव जो स्वयं शंकर जी हैं, जहाँ पर प्रभु की कथा सुनाए, जहाँ हरि की कथा सुनाए, आप समझो वो कथा कितने बड़ा कथा होगा, कितने श्रेष्ठ कथा होगा। और जितने कथ सर्वशास्त्र पढ़, जब उन्होंने वेद पुराण उपनिषद शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया, सब शास्त्र में देखना एक ही बात बोलेगा, क्या एक ही बात है, हैं, कहते श्रुति सिद्धांत यह उरुगारी,
भजिए राम सब काज बिसारी। सब शास्त्र में एक ही बात बताएगा, ये जीवन 84 लाख जोनी को बाद में एक बार ठाकुर देते हैं, ये शरीर ठाकुर जी बारंबार देते नहीं, ये मानव शरीर नहीं। भगवान राम कहते हैं ना, बोले साधन धा मो मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलो का सवारा। भगवान अयोध्या वासियों को समझा रहे, बोले अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते ये जो जीवन मिला है ये मुक्ति की दरवाजा पर तो पहुँचे हो, मतलब इसी मानव शरीर में ही भगवान की भक्ति भजन करते हुए ये संसार से पार होकर तुम भगवान पास तक इसी जीवन में जा सकते हो। लेकिन पाए न जई पर लोग सवारा, लेकिन जिनको जीवन मिला लेकिन अपना जीवन को जो सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया, फिर कहते भैया सिर तो फिर फोड़ते रह जाओगे, फिर दोबारा ठाकुर मानव शरीर नहीं देंगे। इसलिए जितने जल्दी से जल्दी क्या करो, भगवान की भजन में लग पड़ो, भगवान की भक्ति में लग पड़ो, समय को बर्बाद मत किया करो, हैं। इसलिए कहते सर्वशास्त्र, कहते सर्वशास्त्र मर्म जानी विश्वरूप धीर, वो धीर गंभीर है, समस्त शास्त्र को मर्म को तात्पर्य को समझ गए, क्या समझ गए, ये जीवन विषय खलु सर्वत्र स्यात्, ये विषय तो हर जीवन में मिलेगा, किसी जीवन में जाओ, खाना पीना सोना बच्चे जन्म देना कौन नहीं करता है, सब करते हैं, लेकिन ये जो मानव शरीर है ये केवल मुक्ति का द्वार यही है। ये जीवन जीवन अगर तुम्हारे नष्ट हो गया, फिर जीवन प्रभु बारंबार नहीं देंगे, फिर तुमको 84 लाख जीवन में भटकना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, तृणम जतीत न पतीत अन मृत्यु जावत, जितनी जल्दी से जल्दी पारो क्या करो, बोले भजिए राम सब काज विसारी, सब काम को छोड़ करके प्रभु की भजन में लग पड़ो, प्रभु का भजन में लग पड़ो, समय को बर्बाद नहीं करो, समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जैसे एक श्वास चला गया ना, करोड़ों रुपया देने पर भी एक श्वास को हम वापस नहीं ला सकते, जैसे अंबानी, डॉक्टर ने कह दिया इसके अंतिम श्वास है, परिवार बोले तेरे को 100 करोड़ रुपया देता हूँ, उसको 4 श्वास वापस ले आओ, ला सकता है, नहीं ला सकता है। मतलब ये मानव शरीर का है कि जो श्वास की इतना कीमत है, लेकिन ये श्वास की सार्थकता कब होगी, जब हमारे हर श्वास श्वास में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब प्रभु का हम नाम जप करेंगे तभी सार्थकता, नहीं तो ये जीवन बेकार है, जीवन हमारी बेकार जीवन है। इसलिए उन्होंने सब शास्त्रों को पढ़ करके यही मर्म सीखा कि आप जीवन पा करके भगवान की भजन करो। तब उन्होंने क्या किया, बस घर बार छोड़ करके सन्यास हो गए, छोड़ करके साधु होकर के चले गए, भजन करने के लिए चले गए। इसलिए उनका नाम हुआ शंकरारण्य, नाम हुआ उनके शंकरारण्य। जब हो गए, अगर किसके बच्चे को हैं लिखा पढ़ाओ बड़ा करो, अगर सन्यासी बन जाएगा, हर पिता माता क्या समझते, बेटा मेरे बुढ़ापा में क्या लकुटी बनेगा, क्या बोलेगा, सहारा बनेगा, हाँ बुढ़ापा के लाठी, हर पिता माता तो यही सोचते हैं ना, जे बुढ़ापा का लाठी मेरा बेटा बनेगा, हम जब वृद्ध हो जाएंगे हमको कौन देखेगा, हमारा बेटा बहू, हमारे भारत में तो यही तो नीति है ना, विदेश में ऐसे नहीं, विदेश में तो ओल्ड हाउस में खर्चा, और साल में एक बार क्या करेंगे, जब बच्चे का बर्थ ये उनको जो जन्मतिथि होगा ना, बस जाकर कोई चीज़ भेंट कर दे आएंगे, बाद टाटा करके फिर चले जाएंगे, फिर देखने नहीं आएंगे। बड़े सुखा जीवन है विदेश में, हमको ऊपर से लगता है यार विदेश कुछ नहीं, इतने सुखे जीवन जो सोच नहीं सकते, इतने उनके जीवन सुखे जीवन है, हैं, ऋणी बोल कर कोई चीज़ है ही नहीं, हाँ ऋणी बोल कर कुछ है ही नहीं। हमारे भारत में तो जैसे जैसे तुम्हारी बेटा की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, नाती पोती हो गई, हमारा मन उसमें लग जाता है, नाती पोती में खेल कूद करके, उनके देश में सब चीज़ नहीं, 15-16-17 वर्ष हो गया, चाह अपना कमा खा, घा जा घर से, रखेंगे नहीं तुमको घर से, जा घर से जा, अपना कमा खमा खा, हैं। इसलिए बड़े सुखा जीवन है। इसलिए सच्ची माँ क्या सोच रही थी, बेटा बड़ा होगा, घर में बहू आएगी, नाती पोती होएगी,
लेकिन वो साधु ही बन गया। जब साधु बन गया इतने दुखी हो गई मैया सची जगन्नाथ मित्र, इतने दुखी हो गए बेटा मेरा साधु बन गया, रोने लग गए। जो रोने लग गए जो अड़स पड़ोस के जो लोग थे ना, जैसे होता है ना घर में, पूरे गांव में तो यही होता था, शहर में तो पता नहीं चलता, गांव में तो यही होता था, सब एक साथ में रहना, एक साथ में मिलजुल कर, एक दुख में दुखी, एक सुख में सुखी, सब मिलजुल कर रहते थे, दूसरों को मदद करना, गाँव में यही सब चीज़ होती थी, अभी भी है हैं। लेकिन अभी अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए, उनको समझा रहे, बोले क्या समझा रहे, बोले गोष्ठिते पुरुष जार करे सन्यास त्रिकोटी कुल रहे श्री वैकुंठवास। देखो फिर देखो क्यों रो रहे हो, दुखी मत हो। बोले क्यों, बोले बोले गोष्ठिते पुरुष जार करे सन्यास, अगर किसी परिवार में एक बच्चा अगर सन्यास ले ले तो उसका लाभ क्या है, बोले त्रिकोटी कुल रहे श्री वैकुंठवास। कितने बड़े नरसिंह देवता कहते त्रि सप्तभी, तीन पीढ़ी, तीन तीन सात, मतलब 21 वंश तुम्हारे उद्धार हो जाएंगे। और भक्तमाल में तो बताया 108 पीढ़ी, लेकिन यहाँ पर कहते त्रिकोटि 3 करोड़। जो पूर्वज है श्री वैकुंठवास भगवत धाम में वास होता है, जिस गोष्ठी में एक बच्चा प्रभु की सन्यासी बन जाए, भगवान की भक्ति करे, भगवान की भजन करे, इतना लाभ है। इसलिए आप लोगों परिवार में जो भजन कर रहे हो ना, जो बेटा बेटी सब बड़े भाग्य से समझो, बड़े भाग्य से कोई बेटा बेटी नाती पोती कोई भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, साधारण भाग्य से कोई भक्ति नहीं करते हैं। करोड़ों जन्म का कोई सुकृति हो तो सुन रहे थे ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन, किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को गुरु कृष्ण कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है, वो साधारण नहीं मिलता है, हैं। इसलिए अभी सारे परिवार आकर के उनको समझा रहे, कोई दुखी मत हो, बड़े भाग्य था तुम्हारी बेटा सन्यास ले लिया, उसके लिए अच्छा सोचो, अच्छे उसका आशीर्वाद दो। सब कैसा आशीर्वाद, बोले जगत पोषण करी जगत रनाथ, पांडित्य पोषण करे केवा कैल तो मात है। इसलिए कहते कोई चिंता मत करो, आप सोच रहे हो क्या समझ रहे हो, हम लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा पैसा कमाएंगे, बेटा देखेगा हमको जीवन संभालेगा। यहाँ पर कहते नहीं, जगत पोषण करे जगत रे नाथ, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ मतलब क्या, जगत का जो नाथ है, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है। हाँ भगवान एक नाम विश्व है, भगवान के एक नाम है, क्या नाम है भगवान के एक नाम है विश्वम्भर है, हैं भगवान का एक नाम विश्वम्भर, और कोई एक नाम है याद नहीं आ रहे, इसलिए विश्वम्भर मतलब विश्व को जो भरण पोषण करता है, हैं हाँ। इसलिए एक बार अर्जुन ने हाँ कोई कथा थी, एक बार अर्जुन ने कृष्ण को बोले, बोले कृष्ण तुम्हारी जो विश्वम्भर नाम तुम मेरे को दे दो। बोले तू लेकर क्या करोगे, बोले क्या तू जगत को तू ही भरण पोषण करता है, कोई नहीं कर सकता है, ये नाम मेरे को दे दो। कृष्ण ने कहा अर्जुन चलो मेरे साथ में घूमने के लिए चलो, तो घूमने के लिए गए, अर्जुन को लेकर गए समुद्र के बीच में, बोले यहाँ डूबो और जो मिलेगा उसको उठा कर लाना। तब समुद्र में डूबा, डूबा तो एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, तो पत्थर को उठा करके लाई, बोले इसको तोड़ो। बोले जब जो तोड़ा है ना, बहुत बड़ा पत्थर था, जब तोड़ा उसको अंदर में देखा चिटिया, अंदर कहते चिटियाँ हैं, और देखा चिटियों के मुंह में एक एक दाना है, चिटियों के मुंह में दाना है। कृष्ण ने कहा अर्जुन ये बताओ, ये समुद्र के बीच में ये पत्थर पड़ा हुआ, और ये पत्थर को तोड़ा तो उसके अंदर में ये चिटियाँ निकली, और इनका मुंह में देख रहे हो एक दाना। बोले किसने दिया बताओ, किसने दिया उसका मुँह में दाना है उसके अंदर में। इसलिए मेरा इसलिए भगवान का नाम चिंतामणि, चिंतामणि मतलब सब दुनिया का जो चिंता करते हैं, विश्वम्भर विश्व को जो भरण पोषण करते कौन है, ये ठाकुर जी करते हैं, इसलिए दुनिया की चिंता मैं करता हूँ, इसलिए मेरा नाम चिंतामणि। ये नाम को तू ले नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ कह रहे हैं देखो, बोले जगत पोषण करे जगत रे नाथ। कोई सोचता ना हम कर रहे, बोले तुम नहीं कर रहे हो, जगत का पोषण जगत का नाथ ही करते हैं। इसलिए पांडित्य पोषण करे के बा कहले तो मात, पांडित्य पोषण करता है, पंडित बन करके कौन तुमको बताया ये पांडित्य भरण पोषण करता है, जगत का नाथ ही जगत का
भरण पोषण करते हैं। इसलिए सब लोग समझा रहे, कोई चिंता मत करो, देखने वाला ठाकुर है, देने वाले भी ठाकुर और लेने वाले भी ठाकुर है, कोई चिंता मत करो, तुम्हारी बेटा संन्यास बन गया, मतलब तुम्हारी 3 करोड़ पूर्वजों का भगवत धाम हो गया, कि चिंता मत करो। क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा दावन सम संसार दहने। अरे बच्चों, तुम लोग कोई श्लोक याद किए हो क्या? कि क्या नहीं लिख कर, कल लेकर गया नहीं लिख करके? मैं सोच रहा था कोई कापी ले आता, मैं भी लाया ना, कोई मैं भी बोल गया, तुम लोग याद करना चाहिए था ना। ये बच्चों को श्लोक देना, बच्चा तुम भी श्लोक लेना, ठीक है, लेकर के आज याद इनके लिए। आज ना तुम दुकान में जा करके एक छोटी छोटी कापी ले आना, ठीक है, कापी जिसमें श्लोक लिखे, जिसमें संसार दहने दग्ध जीव कुल उधार कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दानी बंदी से गुरु चरण कमल नृत्य गीत वाद श्रीहरि कीर्तने रहे न मगना महामत मनि रोमांच कंपासु आए गौर प्रेमी बंदी से गुरु चरण कमल नृत्य गीत देवने सिंगार दिया मंदिर मार्जनी करे ननी युक्त अनुगत जनी बंदी से गुरु चरण कमल चर्प चुचले प्यार समय प्रसन्न कृष्ण अति स्वादु भक्तवा स्वादनी निज सित रहे बंदी से गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुणी अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लोभ जितिनी अन प्रतिष्ठणी बंदी से गुरु चरण कमल ब्रज युग द्वंद प्रति संवर्धनी युक्ति कर सके सने वृंदावने अति दक्षताए प्रियतम गने बंदी से गुरु चरण गर्भशास्त्रे गाए प्रिय स्वरूप भक्तगण भावे से अनुरूप किंतु दिनी प्रभु प्रियतमारूप बंदी से गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जार प्रसाद अन्य गति नहीं त्रिसंघ के सिरा सब जानी भाई बंदी से गुरु चरण कमल गुरुदेवा तक अति जतन करे ब्राह्मी मूर्ति पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए से वस्तु से भी काल मंदिर से गुरु चरण कमल गुरु चरण
Bye.
तारा